चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू हैव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा वन एंड अल्फा टू रिस्पेक्टिवली, दीज आर ज्वाइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कोफिशियंट क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक। चलो सबसे पहले दो रेजिस्टेंस है आर वन आर टू, और ये अगर सीरीज में लगाए जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना दीज ज्वाइंड इन सीरीज, सीरीज में लगाए जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन प्लस आर टू होगा, ठीक है ना। तो पहले का टेम्परेचर कोफिशियंट है अल्फा वन, तो अगर मान लेते हैं आर वन टी इज इक्वल टू क्या होगा, जनरली हम लोग फॉर्मूला क्या लेते हैं, जनरली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा टी, ये लिखते हैं, सही है। तो इस सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में अगर मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, सो आर टी वन इज इक्वल टू आर वन वन प्लस अल्फा वन टी होगा, और दूसरे केस में आर टी टू इज इक्वल टू आर टू ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा टू इंटू टी होगा, ठीक है। दोनों को सीरीज में लगाए तो आर टी वन प्लस आर टी वन प्लस आर टी टू इज इक्वल टू क्या होगा, आर वन वन प्लस अल्फा वन टी प्लस आर टू वन प्लस अल्फा टू इंटू टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, आर वन प्लस अल्फा वन टी इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस अल्फा टू टी इंटू आर टू, यहाँ आर वन आर टू एक साथ ले लें, आर वन आर टू एक साथ ले लिया, प्लस हमने ले लिया टी को कॉमन ले लिया, तो अल्फा वन आर वन प्लस अल्फा टू आर टू इंटू टी ये ले लिया। अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में आर वन प्लस आर टू कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, वन प्लस क्या होने वाला, अल्फा वन आर वन प्लस अल्फा टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू टी, सही हो गया। तो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आर नेट, नेट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कंपेयर करें इस फॉर्मूले से, तो क्या होनी चाहिए, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी से अगर कंपेयर करें, तो अल्फा की जगह क्या है, ये वैल्यू है पूरी, और ये वैल्यू कहीं है क्या, यहां पर है, देखो अल्फा वन आर वन प्लस अल्फा टू आर टू अपॉन अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये सीरीज के केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।